नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लिए इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, जब आपको स्कूल में कोचिंग्स में कुछ स्पीच देने होते हैं, अब जस्ट ये अगस्त महीना स्टार्ट हो गया आज से, आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त है, तो 15 तारीख को आपको आपके अपने विद्यालय या फिर इंस्टीट्यूट में आपको स्पीच देना होगा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। तो उसकी तैयारी आपको अभी से ही करना है, तो इसीलिए हम इंडिपेंडेंस डे आज का ये टॉपिक लेके आए हैं। मतलब ये इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे इन डी पेन डेंस, इंडिपेंडेंस ये क्या है डे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया स्वतंत्रता, और ये क्या है दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये आपका एक छोटा सा स्पीच होगा, क्या होगा देखिए, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, यहाँ पे एक तो सर लगना जरूरी था, बाय मिस्टेक छूट गया है, तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या है ये रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और यहाँ पे सर होना जरूरी है, फिर क्या है टीचर्स, टीचर्स एंड माय, ये क्या है डियर फ्रेंड, फ्रेंड्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, फ्रेंड्स का मतलब हो गया दोस्त, डियर का मतलब हो गया प्रिय, माय का मतलब हो गया मेरा, मेरी दोनों होता है, एंड का मतलब क्या हो गया और, टीचर्स का मतलब हो गया शिक्षक, और प्रिंसिपल तो प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य, और रिस्पेक्टेड का मतलब हो गया आदरणीय, मतलब आदरणीय प्रधानाचार्य सर, शिक्षक महोदय और मेरे प्रिय दोस्त, ये इसका मतलब हो गया, ये आपका स्टार्टिंग हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे आय, ये क्या है, इसको आय बोलेंगे, आय ये क्या है एम, ये क्या है वेरी, ये क्या है हैप्पी, ये क्या है टू, ये क्या है हैव द, ये अपॉर्चुनिटी, कैसे लिखेंगे देखिए अ सॉरी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू, ये क्या है एक्सप्रेस माई थॉट्स, माई थॉट्स ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, क्या है देखिए ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस ओकेजन, ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस, इन डी सॉरी पेंडेंस, इंडिपेंडेंस, और ये हो गया डे। अब इसका पूरा मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं पहले। आई का मतलब मुझे हो गया यहाँ पे, आई एम वेरी हैप्पी मतलब मैं बहुत खुश हूँ, एम का मतलब हो गया हूँ, वेरी का मतलब हो गया बहुत, हैप्पी का मतलब हो गया खुश, सॉरी खुश, टू हैव, टू हैव का मतलब होता है पाकर, द अपॉर्चुनिटी मतलब ये अवसर, टू एक्सप्रेस मतलब, टू का मतलब, टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने का, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने का, माय थॉट्स मतलब यहां हो गया अपने थॉट्स मतलब विचारों, ऑन दिस ऑस्पिशियस मतलब इस अवसर पर, इस ऑन का मतलब यहां पे हो गया पर, और दिस का मतलब हो गया इस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, और ऑकेजन का मतलब फिर से क्या हो जाएगा अवसर, ऑफ इंडिपेंडेंस डे मतलब के लगा देते हैं यहाँ पे, और इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया स्वतंत्रता, और डे का मतलब दिवस, मतलब क्या हो गया कि मुझे
मतलब मुझे बहुत खुशी है या मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे मुझे या मैं दोनों, मैं बहुत खुश हूँ टू हैव द अपॉर्चुनिटी, मतलब पाकर ये अवसर टू एक्सप्रेस, मतलब व्यक्त करने का माई थॉट्स, मतलब अपने विचारों को ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, मतलब इस शुभ अवसर पर। कौन सा शुभ अवसर? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको जो बोलने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए आप बहुत खुश हैं, ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट कहते हैं दिस इज आवर, यहाँ पे 76th लिखा है, आप देख लीजिएगा इस बार वाला जो होगा उसको आप लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज आवर 76th इंडिपेंडेंस डे, इसको क्या बोलेंगे, सेलेब्रेशन, सेलिब्रेशन की, मतलब क्या हो गया कि यह है हमारा, मतलब यहाँ पे 76वां है आपका, अभी जो भी चल रहा होगा उसको लिख देंगे। डे का मतलब हो गया दिवस, सेलिब्रेशन का मतलब हो गया समारोह, समारोह मतलब ये हमारा 76वां, 77वां, 78वां जो भी होगा दिवस समारोह है। जस्ट 76 ईयर अगो, ये क्या है देखिए, जस्ट 76 ईयर, इसको क्या बोलेंगे, अगो बोलेंगे, अगो वी गॉट इंडिपेंडेंस, ये क्या है, वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, द ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब क्या हुआ कि जस्ट का मतलब हो गया ठीक, 76, 77, 78 जो भी होगा वर्ष पहले, अगो का मतलब हो गया पहले, वी गॉट मतलब हम लोगों ने पाई इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता फ्रॉम ब्रिटिश, फ्रॉम का मतलब हो गया से, और ब्रिटिश मतलब तो ब्रिटिश ही होता है, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों से हमने 77 साल, 78 साल पहले स्वतंत्रता पाई, ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, द स्टोरी ऑफ आवर फ्रीडम, क्या हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, स्ट्रगल ये क्या है, एज वेरी, ये क्या हो जाएगा बिग, विच कैन नॉट बी डिस, ये क्या है देखिए, विच ये क्या है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वन डे, वन डे क्या कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब फ्रीडम मतलब क्या हो गया, स्वतंत्रता, स्ट्रगल का मतलब हो गया संग्राम, मतलब स्वतंत्रता संग्राम, आवर मतलब अपने, स्टोरी मतलब कहानी, ऑफ का मतलब का, मतलब स्वतंत्रता संग्राम, अपने स्वतंत्रता संग्राम की कहानी इज वेरी बिग, मतलब है बहुत बड़ा, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वन डे, यहाँ विच का मतलब हो रहा है जिसे, कैन नॉट मतलब नहीं किया जा सकता, क्या चीज, डिस्क्राइब मतलब वर्णन, इन वन डे एक दिन में, मतलब हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई इतनी लंबी है कि उसका वर्णन एक दिन में नहीं किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन, इंडिपेंडेंस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन, इंडियन मतलब क्या हो गया कि स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्या है कि स्वतंत्रता दिवस इज वेरी, मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण फॉर एवरी इंडियन, मतलब फॉर का मतलब हुआ के लिए, और एवरी इंडियन मतलब सॉरी प्रत्येक, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
नेक्स्ट क्या है, 75 ईयर्स अगो द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, मतलब 75 ईयर्स अगो मतलब 75 साल, 75 साल पहले, अगो का मतलब होता है पहले, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया मतलब अंग्रेजों ने भारत पर, रूल्ड का मतलब शासन किया, शासन किया, इस तरह से इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए दे कैम, इसको क्या बोलेंगे, दे, ये क्या है, कैम, दे कैम टू इंडिया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्रेड, ये क्या है, प्री टेक्स्ट ऑफ ट्रेड एंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली टुक एवरीथिंग, एवरी थिंग अंडर, अंडर देयर कंट्रोल एंड मेड। अब इसके आगे जाएंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है कि 75 साल पहले, यहां तक तो हो गया, दे कैम मतलब वे लोग आए थे टू इंडिया मतलब भारत में, ऑन द प्रीटेक्स्ट मतलब ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, और ऑफ का मतलब हो गया का, मतलब व्यापार के बहाने इंडिया में, मतलब वे लोग भारत में व्यापार के बहाने आए थे, एंड का मतलब हो गया, और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे, टुक एवरीथिंग मतलब ले लिया, एवरीथिंग मतलब सारी चीजें, अंडर देयर, अंडर मतलब अपने, देयर मतलब अपने, अंडर मतलब अपने अंदर, कंट्रोल मतलब शासन में, एंड मतलब और, मेड मतलब बना लिया, ये क्या है अस, इसको क्या बोलेंगे देयर, और ये क्या है स्लेव्स मतलब गुलाम, स्लेव्स का मतलब क्या हो गया गुलाम, देयर का मतलब अपना, अस का मतलब हो गया हमें, मतलब क्या हुआ कि वो व्यापार के बहाने आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। देन नेक्स्ट क्या है, देखिए ये, इसको क्या बोलेंगे आप, देन ऑन 15 अगस्त, अगस्त 1947 इंडिया बिकम, ये क्या है, बी कैम, बी कैम इंडिपेंडेंस आफ्टर, ये क्या है देखिए, आफ्टर मैनी एगिटेशन, इसको क्या बोलेंगे एगिटेशंस, एगिटेशंस मतलब आंदोलनों, एंड एंड बैटल्स, ये क्या है बैटल्स मतलब लड़ाइयां, बैटल्स का मतलब हो गया लड़ाइयां, और एगिटेशन का मतलब हो गया आंदोलनों, ऐसा लगाया है तो एक से ज्यादा, मैनी का मतलब हो गया कई, आफ्टर का मतलब हो गया के बाद, मतलब क्या हो गया के फिर, देन का मतलब यहां पे क्या हो रहा है फिर को, कब, 15 अगस्त 1947 को भारत हुआ इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया आजाद, कई आंदोलनों और लड़ाइयों के बाद, इस तरह से इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखिए मैनी हीरोज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिया, मैनी, मैनी हीरोज, हीरोज सेक्रीफाई, सेक्रीफाइड देयर लाइव्स, लाइव्स टू गेट फ्रीडम, फ्रीडम
फॉर इंडिया मतलब क्या हो गया, मैनी का मतलब हो गया कई, हीरोज मतलब क्या स्वतंत्रता सेनानी, क्या हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानियों ने सेक्रीफाइस देयर लाइफ, देयर मतलब हो गया अपने, लाइफ का मतलब हो गया जीवन, और सेक्रीफाइस का मतलब हो गया बलिदान, बलिदान मतलब कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया टू गेट मतलब पाने के लिए, क्या चीज पाने के लिए, फ्रीडम फॉर इंडिया मतलब भारत की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए, ड्यू टू द ब्रेव वॉरियर ऑफ आवर कंट्री, ये क्या है देखिए, ड्यू टू द ब्रेव वॉरियर, वॉरियर्स लास्ट में एस लगा है, तो वॉरियर्स ऑफ आवर कंट्री, वी हैव बिकेम सॉरी बिकम इंडिपेंडेंस टूडे, क्या है टू डे, एंड टूडे वी सेलिब्रेट दिस डे टू पे, ये क्या है कि टू पे ट्रिब्यूट, क्या है ट्रिब्यूट टू दोस ब्रेव वॉरियर, वॉरियर्स फिर से वॉरियर्स आ गया, मतलब क्या हो गया, ड्यू टू द ब्रेव वॉरियर्स मतलब बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के कारण, कैसे हो जाएगा देखिए, बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के कारण, आवर कंट्री मतलब हमारा देश, वी हैव बिकम इंडिपेंडेंस, हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, मतलब क्या हो गया, हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, इंडिपेंडेंस मतलब बिकम इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हुए हैं, टूडे मतलब आज, एंड मतलब हो गया और, टूडे फिर मतलब हो गया आज, वी सेलिब्रेट मतलब हम लोग मनाते हैं, दिस मतलब इसे या इस डे को, इस दिवस को, दिवस को टू पे मतलब देने के लिए, ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि टू दोज मतलब उन लोगों को, किसको, ब्रेव वॉरियर मतलब बहादुर सेनानियों को, सेनानियों को, इंडिपेंडेंस डे इज वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप, नेशनल, नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स मतलब क्या है कि स्वतंत्रता दिवस वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मतलब भारत के कई राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। नाउ मतलब अब आई एम गोइंग टू एंड माई स्पीच मतलब मैं अपना भाषण अब समाप्त करने जा रहा हूं, विद दीज वर्ड्स मतलब इन्हीं शब्दों के साथ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इस तरह से ये एक प्यारा सा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर का ये आपका स्पीच तैयार होता है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपना प्यार और स्नेह जरूर देंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।